इंसान वो हर चीज़ हासिल कर सकता है जिसके बारे में वो सोच सकता है। क्योंकि आपके जीवन में वही प्रक्रियाएं होती है जिसके बारे में आप सोचते हैं, उसी पे आप काम करते हैं और वो आपके जीवन में घटित होती है। तो आज चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम एक टेक क्रिएटर सर्च 2.0 की जर्नी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे इन्होंने अपने चैनल को ग्रो किया और इनसे कुछ इंस्पिरेशन लेते हुए अपने क्रिएटर जर्नी को आगे बढ़ाते हैं कि इन्होंने अपनी क्रिएटर की जर्नी में वो कौन सी अमेजिंग मोटिवेशन अपने अंदर बनाए रखा और अपने चैनल को लगातार ग्रो करते रहे। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम प्रियंक, आप देख रहे हैं दिस टेक्निकल यूट्यूब। मेरे पास स्टार्टिंग में ना ही कोई कैमरा था, यहाँ तक मोबाइल अच्छा नहीं था और रिचार्ज करने का पैसा सही से नहीं होता था। तो अभी मैं आपको पूरे प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ, इनके चैनल पे मैं आ गया हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे 6 महीने पहले का ये वीडियो है, आप ये लाइव देख रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे 1 लाख सब्सक्राइबर, स्पेशल वीडियो मनोज डे टेक्निकल योगी, इन सारे लोगों के साथ। और यहाँ पे उसके पहले भी आप देख सकते हैं मनोज भाई मेरा चैनल में 100K सब्सक्राइबर पूरा कराए। तो कोई किसी के चैनल पे 100K सब्सक्राइबर पूरा नहीं कराता है। हर इंसान की अपनी एक मेहनत होती है, एक पहचान होती है, जिसकी वजह से वो अपने चैनल को या फिर अपने लाइफ में वो ग्रो करता है। केवल जिद्दी आदमी ने इतिहास रचा है, इतिहास केवल वही आदमी रचता है जिसके मन में कोई जिद्द आ गई हो। इसीलिए वो हर इंसान सफल होता है जिसके अंदर एक जुनून होता है, जिद होता है। दशरथ मांझी भी बड़ी कठिनाई में थे, जिनके बारे में आप सब जानते हैं। दशरथ मांझी की पत्नी लेबर पेन के कारण वो पहाड़ जो 55 किलोमीटर का था उसको पार नहीं करा पाए, उसको अस्पताल नहीं लेके जा पाया। उस आदमी को जिद आ गई, 22 साल लग गए 55 किलोमीटर का पहाड़ एक छेनी और हथौड़ा लेके तोड़ डाला। आपको याद होगा जब बचपन में हम लोग जिद करते थे किसी चीज़ के लिए और उसको जब तक हम लोग प्राप्त नहीं कर लेते थे तब तक हम लोग मानते नहीं थे। शायद ये घटना हर किसी के साथ होता है। इसीलिए कोई भी संस्था अगर सफल हुई है, कोई भी इंडिविजुअल अगर सफल हुआ है, कोई भी बड़ा परिवर्तन आया है, उसके लिए एक आदमी को अपने मन में जिद लानी पड़ती है। जिस आदमी के अंदर जिद और जुनून होता है वही अपने लाइफ में कुछ कर पाता है। तो ये है क्रिएटर सर्च 2.0 और मुझे जहाँ तक समझ है कि इन्होंने पिछले 1 साल से कंटिन्यू अपने चैनल पे काम किया और आज के डेट में देखेंगे 310K सब्सक्राइबर यानी 3,10,000 सब्सक्राइबर इनके चैनल पे हैं और 585 वीडियो हैं। और बात करें इनके ग्रोथ की तो पिछले 6 महीने में इन्होंने 100K सब्सक्राइबर को बीट किया था। उसके बाद जो 6 महीने में इन्होंने उसके डबल यानी 210K सब्सक्राइबर को अचीव किया। मैं उस दिन इनके वीडियो को देखा था और आज भी देख रहा हूँ। तो इनके चैनल से हमें ये इंस्पिरेशन मिलता है कि किस तरह से इन्होंने लगातार अपने चैनल पे वीडियो को अपलोड करते रहे। और वीडियो भी देखेंगे तो कोई एकदम धुआंधार वीडियो नहीं है, सिर्फ ये यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के बारे में बताते हैं। और जिस तरह से अभी इन्होंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया कि किस तरह से इन्होंने अपने चैनल पे वीडियो को डालना स्टार्ट किया और अपने मोटिवेशन और अपने जिद और जुनून की वजह से आज से इन्होंने अपने चैनल पे लगातार काम करते रहे और एक छोटे क्रिएटर से लेकर के एक बड़े क्रिएटर के तौर पे आज इन्हें जाना जाता है। तो अगर आप भी अपने चैनल को, अपने यूट्यूब जर्नी को लेकर के परेशान हैं कि मेरे चैनल पे 5, 7, 10, 20, 50 व्यू आ रहे हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी हर वो वीडियो आपके चैनल को ग्रो कर रही है। किसी एक वीडियो के माध्यम से आपका चैनल ग्रो होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक सीधा सिंपल उदाहरण देता हूँ कि अगर आप देखेंगे कि आपकी आज की वीडियो और आपकी पहली वीडियो, आपकी पहली वीडियो से आपकी आज की वीडियो 100 गुनी बेहतर होगी। दोस्तों, आप लोग क्या करते हो, अपने चैनल पर 5, 10, 15 वीडियो अपलोड करते हो, आपका चैनल बनाए महीना दिन भी नहीं होता है और आप लोग मैसेज करना स्टार्ट कर देते हो।
लेकिन दोस्तों मैं अगर आपको पहला वीडियो अपना दिखाऊंगा, मैं अपने चैनल पर कैसे स्ट्रगल किया हूं और आज मेरे चैनल पर जो आपको 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर दिख रहा है, इसके पीछे जो मेहनत है वो आप लोगों को नहीं दिख रहा है। आपकी वो छोटी छोटी कदम, आपके वो छोटे छोटे प्रयास एक दिन बड़ी सफलता के रूप में आपके सामने उभर कर आएगी। तो आप अपने मोटिवेशन को पूरी तरह बनाए रखिए और कंसिस्टेंसी से अपने इस क्रिएटर जर्नी को एंजॉय करते हुए अपने काम को जारी रखिए। बस अपने अंदर उस फोकस, उस जिद और जुनून को बनाए रखना है, क्योंकि जब किसी चीज़ के बारे में हम सोचते हैं तो वो हमारे जीवन में घटित होता है, ये प्रकृति की देन है। तो आज के इस वीडियो का मेन मोटो यही है कि आप अपने क्रिएटर जर्नी को इसी तरह कंटिन्यू पूरे मोटिवेशन और पूरे फोकस से बनाए रखेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।